हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे नई वीडियो पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 वाली भर्ती को लेकर के। काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। मेडिकल की जो अपडेट है वो सारी कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। विद प्रूफ के साथ भी आपको न्यूज़ दिखाने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती रिगार्डिंग या फिर कोई भी केंद्र सरकार की भर्ती हो, एनी वैकेंसी आपको न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती। और देखने के बाद अपने सभी साथियों में शेयर करें, जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप उत्तर प्रदेश 49,568 के कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है वो भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो दोस्तों उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं। कोरोना के चलते मुश्किल हुई पुलिस परीक्षण की राह, इस पर दोस्तों हमने एक वीडियो बना करके आपको बताया था, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था कि ये बिल्कुल फेक है। उन्होंने इसको फेक करार दे दिया और इस बात पर वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट करके बताने लगे कि ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल भी रियल है, रियल यानी कि बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया, तो उसी को लेकर के मैं बताने वाला हूँ। एक तरफ दोस्तों पुलिस भर्ती बोर्ड तैयारियाँ कर रहा है और एक तरफ दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोरोना चलते पुलिस परीक्षण यहाँ पर मुश्किल है और ट्रेनिंग है वो 4 चरणों के अंदर कराई जाएगी। और यहाँ पर डेट को देख करके यानी कि जो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 49,562 दिखाया, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया कि 49,568 होना चाहिए था, ये बिल्कुल फेक है, जिसके ऊपर मैंने कहा था कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो वही चीज़ को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि दोस्तों ये न्यूज़पेपर के माध्यम से निकला था, जिस पर काफ़ी अभ्यर्थियों ने भरोसा हमारा नहीं किया था। जब भी अपडेट देते हैं वो ऑथेंटिक अपडेट ही प्रोवाइड कराते हैं, विद प्रूफ के साथ आपको बताते भी हैं। और आने के जो भी अपडेट होती है सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि स्टडी अपडेट टाइम जो भी अपडेट देता है वो ऑथेंटिक ही प्रोवाइड कराता है। तो इस चीज़ की सच्चाई आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो अभ्यर्थी इसको फेक बता रहे थे वो यहाँ पर देखिए jagran.com, और उसके बाद वही चीज़ है जो कि मैंने उसमें आपको दिखाया था, वही चीज़ है। कोरोना से मुश्किल हुई पुलिस परीक्षण की राह, और वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। 49,562 पदों पर चयन अभ्यर्थियों का परीक्षण 4 चरणों में कराए जाने की तैयारी है। जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए अब कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। एक तरफ दोस्तों ये अपडेट निकल के आ रही है, दूसरी तरफ भी अपडेट आपको बताने वाले हैं। और दूसरा न्यूज़पेपर भी आप देख लीजिए, जिससे आप संतुष्ट हो जाएं, जो कि हमें गलत बताते हैं कि सर आप गलत न्यूज यानी कि फेक न्यूज बताते हैं, तो वो स्टूडेंट इस चीज़ को जरूर देखें। और लो दूसरा न्यूज़ पेपर भी देख सकते हैं, ये भी दैनिक जागरण का। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर आप डेट नहीं दिखाते हैं। देख लीजिए डेट भी आप देख सकते हैं, 21 जुलाई 2020 दैनिक जागरण, ये न्यूज निकली हुई है। वाराणसी देख सकते हैं, ऊपर डेट अच्छी तरीके से देख लें, आँखें अच्छी तरीके से खोल के देख लीजिए कि वही डेट है या कोई और डेट है। और यहाँ पर आएंगे तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब अच्छे तरीके से समझ में आ चुका, मैंने क्लियर कर दिया कि ये बिल्कुल सत्य न्यूज़ थी, जो कि अभ्यर्थी कह रहे थे कि पूरा न्यूज़पेपर दिखाइए सर आप फेक बता रहे हैं। भाई मैं किसी को फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ, जो अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं हम आपको सत्य में सटीक जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। और जिस पर दोस्तों अभ्यर्थी की सोचने की क्षमता वो किस आधार पर सोचते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। अब रही बात दोस्तों आगे की जानकारी, वो भी आपको बताएंगे। भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है इस पर भी आपको हम बताने वाले हैं। वो मेडिकल की प्रक्रिया है वो कब तक यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर कोरोना से मुश्किल परीक्षण की राह बताई जा रही है न्यूज़पेपर में, और दूसरी तरफ है दोस्तों कि यहाँ पर आपके पैनल की भी बात कही गई है, वो भी हमें जानकारी दोस्तों मिली है सोशल मीडिया के जरिए, वो भी आपको हम विद प्रूफ के साथ यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर अभ्यर्थी देख सकते हैं जो 49,568 का वेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट खास होने वाली है। और अपने सभी साथियों में शेयर करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर अपडेट की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऑथेंटिकली प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों जिस लड़के ने कल स्क्रीनशॉट भेजा था, कल जानकारी नहीं ले पाया वो भाई, लेकिन आज अभी जानकारी प्राप्त कर लाया है। 49,568 भर्ती मेडिकल पैनल बनाने के लिए 5 तारीख तक बोला है। कहने का मतलब अगस्त फर्स्ट सप्ताह से चिकित्सा परीक्षण स्टार्ट हो जाएंगे, व जुलाई अंत तक या जुलाई अंत होने से पहले
जेटी शिवा मेडिकल की सूचना आपको अवगत हो जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर आप बता दिया और वो भी आप देख सकते हैं आगे रिकॉर्डिंग के माध्यम। हेलो भाई, हाँ भाई, आज आप गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ बताइए जरा। भाई मैं वहाँ पर गया था, उन्होंने जो है मेरे को नोटिस दिखाया। ठीक है, कल मैं कल भी गया था वहाँ पर, कल वो नोटिस नहीं दिखा पाया मेरे को। ठीक है, तो वो नोटिस जैसा उन्होंने दिखाया मैंने वो पढ़ा, तो उसमें जो 5 तारीख तक हमें वो दे रखा है कि 5 तारीख तक आप पैनल बनाने के लिए। ठीक है ठीक है, 5 अगस्त तक। अच्छा हाँ, और मैंने उनसे कहा कि मैं इसका प्रूफ ले सकता हूँ फोटो खेच लूँ। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि अभी तुम फोटो मत खेचो, मैं बाद में तुम्हें वही तो व्हाट्सअप कर दूंगा या मैं बाद में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई जी, तो मतलब कहने का यह है कि जुलाई अंत तक जो है जेटीसी लिस्ट या मेडिकल का नोटिस जो है दोनों आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जुलाई एंड तक जो है लिस्ट भी आ जाएगी और जो है हो सकता है कि हमारे पास कॉल भी आ जाए। हाँ, और जैसे कि तुम बता रहे हो 5 तक पैनल बनने की बात है, तो फिर हो सकता है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह से, मतलब प्रथम सप्ताह खत्म होते ही जो है तुरंत मेडिकल की कार्रवाई शुरू। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 100%। चलो ठीक है, अगर जैसे ही आपको वो जो फोटो बता रहे थे कि मतलब आपको व्हाट्सएप शेयर कर देंगे, अगर भेजें तो आप फिर मुझे बताना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके थैंक्स भाई। तो दोस्तों, एक तरफ पैनल बनने की बात कही जा रही है, जो अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड गया है उसने यहाँ पर जानकारी दोस्तों दी है, वो आप सभी के समक्ष मैंने उस जानकारी को प्रस्तुत किया है, आपने अच्छे तरीके से सुन भी लिया होगा। उसने बताया है कि 5 तारीख तक भर्ती बोर्ड ने बोला है कि मेडिकल के पैनल यहाँ पर बनने वाले हैं और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक दोस्तों लिस्ट आ जाएगी, जैसा कि मैं आपको पिछली बार वीडियो में भी बता चुका हूं। और मेडिकल रहा प्रोसेसिंग, वो आपको 1 सप्ताह से अगस्त से देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपको 10 जुलाई के समथिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इधर दोस्तों, कोरोना की मुश्किल से पुलिस परीक्षण की राह दोस्तों कमजोर होती जा रही है, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है। 21 जुलाई का न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हैं और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि आपको लगता है कि मेडिकल होगा या फिर नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि मेडिकल हो जाए, सभी के लिए अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है कि जो अभ्यर्थी वहां तक गया है उसने जानकारी प्रोवाइड कराई, वो जानकारी मैंने आपको बताई। अगर अच्छी बात है दोस्तों, जल्दी से जल्दी मेडिकल संपन्न हो जाए तो बढ़िया रहेगा। और इधर दोस्तों, कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है, तो जिसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब कुछ दोस्तों काम होंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अगर मेडिकल रहा पैनल की बात, तो दोस्तों 5 अगस्त तक क्लियर हो जाएंगे और नोटिस है वो भी बहुत जल्दी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा और हम भी आपको जानकारी प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, मैंने आपको विद प्रूफ के साथ न्यूज़पेपर की सच्चाई भी दोस्तों दिखाई, जो कि 21 जुलाई का न्यूज़पेपर था, जो बहुत सारे अभ्यर्थी इसको फेक बता रहे थे, और अच्छी तरीके से देख लें कि फेक और रियल हमने आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है। और वो रिकॉर्डिंग थी दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया कि जिस माध्यम से यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, वो भी आपको मैंने क्लियर यहाँ पर कर दिया है सब कुछ मैंने। अब बायोडाटा, अब आपकी रही मर्जी, क्या कमेंट बॉक्स के अंदर बताते हैं, अपनी जानकारी व्यक्त करिए, कोई भी मन में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट रीड करके नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय।